हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 है हमारा पर्यावरण, क्लास 7 का हमारी दुनिया है। अध्याय 6 है हमारा पर्यावरण, इसमें जो भी इसका जो इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए, यहाँ पे कह रहा है अभ्यास में सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, पहला है इनमें से कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है, पुल, मकान, जल, सड़क। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा जो है, कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु, प्राकृतिक यहाँ पे जो है जल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, तीन, चार, अनगिनत। तो पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मान जो है पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीसरा कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, आयु, जल, पर्यावरण जो है सड़क। तो आयु, पृथ्वी के चारों ओर क्या रहता है, आयु। ठीक है, अब देखिए, अब अगला कह रहा है, इसमें कह रहा है खाली जगहों को भरिए, खाली स्थान को क्या करना है, भरना है। पहला कह रहा है पेड़ पौधे एवं जीव मिलकर डैश पर्यावरण बनाते हैं, तो यहाँ पे जो है प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक पेड़ पौधे एवं जीव मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। दूसरा है पेड़ पौधे जीव जंतु जैव डैश के अंग है, तो यहाँ पे पर्यावरण, पर्यावरण। ठीक है, तीसरा है मनुष्य ने अपनी डैश डैश की पूर्ति के लिए चीजों को बनाया है, आवश्यकता। ठीक है, मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए चीजों को बनाया है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है पर्यावरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे है, उत्तर है हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। पर्यावरण जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अभी अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ा है। तो मानव निर्मित पर्यावरण, जैसे कि मान लीजिए इसमें विस्तार पूर्वक से लिखना है, वैसी वस्तुएं हैं जिसे मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक वस्तुओं को परिवर्तित करके बनाया है, उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं, जैसे मकान, पुल। ठीक है, अब देखिए दूसरा कह रहा है इसमें जो है प्राकृतिक पर्यावरण, सभी सजीव एवं निर्जीव प्राकृतिक वस्तुओं के मिलने से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है, जैसे जल, भूमि, हवा इत्यादि। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है तीसरा कह रहा है स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए यहाँ पे स्थल मंडल भूमि का वह भाग जिस पर जीव रहते हैं, जैसे मकान, दुकान इत्यादि, उसे हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। जल मंडल में जो हो जाएगा कुआं, तालाब, नदी, झील, समुद्र, सागर एवं महासागर, विभिन्न जलाशय से मिलकर जल मंडल का जो है निर्माण होता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब चौथा कह रहा है सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत कौन कौन सी बातें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा समाज में तरह तरह के रीति रिवाज, परंपराएं, उत्सव आदि देखने को मिलते हैं। शादी विवाह के अवसर पर खुशियों के में शरीक होना, छोटों को प्यार एवं बड़े बुजुर्ग का सम्मान, ये सभी जो है हमारी सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग है। ठीक है, पांच नंबर कह रहा है मानव निर्मित पर्यावरण के कारण प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, कैसे। तो पांच नंबर का उत्तर यहाँ पे देखिएगा,
यहाँ पे जो है 5 नंबर का उत्तर कर रहा है, मानव निर्मित पर्यावरण के कारण प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, क्योंकि हवा के लिए मानव निर्मित वस्तु जैसे कूलर, पंखा, एसी का प्रयोग किया जा रहा है और पेड़ पौधों का जो है कटा जा रहा है, कटाई किया जा रहा है।